हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर्दियों के दिनों में उनकी जो इड़ियाँ होती हैं काफ़ी फटने लगती हैं, तो इसका रीज़न भी बहुत सारा होता है। सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि मॉइस्चराइज़र की हवा में नमी की कमी की वजह से हमारी जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है साथ में, और हमारी जो इड़ियाँ होती हैं वो फटना स्टार्ट कर देती हैं। अब आप कुछ लोगों की तो इड़ियाँ होती नॉर्मल फटती हैं, खुजली वगैरह होती है या पीलिंग होती है, लेकिन कुछ लोगों की जो इड़ियाँ होती है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, उस पर दरारें आ जाती है, बहुत ज़्यादा उसमें दर्द होता है, अक्सर चलने फिरने तक में दर्द होने, तब समझ सकते कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी। अब वैसे मैं शॉर्ट में बता दूं तो एड़ियां फटने का जो रीजन होता है सर्दियों में सबसे ज्यादा होता है वो है हाइड्रेशन की कमी। जी हाँ, हम सर्दियों में बहुत कम पानी पीते हैं। अक्सर लोगों का अपने देखता हो कि यार सर्दियों में पानी कौन पीता है, मतलब बहुत ही कम पानी पीते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी बॉडी होती है वो ड्राई हो जाती है। मॉइस्चराइजर की कमी की वजह से भी जो इड़ियाँ होती हैं वो फटने लगती हैं। और तीसरे जो वजह होती है गर्म पानी। जी हाँ, सर्दियों में हम सब गर्म पानी का यूज़ करते हैं, नहाने से हो या पीते भी अक्सर हम लोग गर्म पानी ही है सर्दियों में, तो इस वजह से भी हमारी जो इड़ियाँ होती हैं वो फटने लगती हैं। और वो एक वजह ये भी होती है हम ख्याल नहीं करते ठीक से। जी हाँ, हम हिंदुस्तानियों की आदत होती है कि जब तक कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ना हो जाए उसका ख्याल नहीं करते। छोटी मोटी चोट लगती है कहते हैं जाने दो, इतना तो चलता है, तो हम लोग दवा नहीं खाते, खुद से डॉक्टर बने थोड़ी बड़ी अपने मन से दवा खा लेते हैं, और फिर वही चीज़ बाद में जाके में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हम फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, परेशान हो जाते हैं यार क्या हो गया, जबकि स्टार्टिंग में अगर हम इसी चीज़ की केयर कर ले तो फिर हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो सेम हमारे एड़ियों के साथ भी होता है कि जब हमारी एड़ियाँ स्टार्टिंग में फटती तो फिर हम इसका ध्यान नहीं देते, हम लोग सोचते हैं ठीक है अपने आप ठीक हो जाएगी या छोड़ देते हैं, उसके हाल नहीं करते, बाद में फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है। एड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा फटने लगती हैं, उसमें दरारें आ जाती हैं और बहुत ज़्यादा दर्द होती है, चलने फिरने तक में दर्द होने लगती है। तो दोस्तों, ये सारे कुछ रीज़न होते हैं एड़ियों के फटने के। तो दोस्तों, आज मैं उन्हीं सारी दिक्कतों को दूर करने की एक बढ़िया से रेमेडी लेकर के हूँ। जी हाँ, ये 100% नेचुरल होने के साथ साथ बिल्कुल घरेलू नुस्खा है और बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है, साथ में इसकी गारंटी भी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपकी इड़ियाँ स्टार्टिंग में आपकी इड़ियों की फटने की, तो अगर आप इसे यूज़ करते हो तो एक दो दिन में आपकी इड़ियाँ मुलायम हो जाएंगी। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी इड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटी तो आप सिर्फ इसे एक हफ्ता रेगुलर यूज़ करके देखिए, आपकी इड़ियाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। इसके बाद आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई क्रैक क्रीम नहीं लगाना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जितने भी मार्केट में ऐड आते हैं क्रैक क्रीम, मैंने खुद यूज़ की है, कोई इफेक्ट नहीं होता। आप लगाते जाओ, उसके बाद भी शायद किसी का इफेक्ट पड़ता है, कि मैंने जो यूज़ की मुझे कोई इसका इफेक्ट नहीं मिला, तो आप यूज़ करने के बाद भी आपको कोई इफेक्ट नहीं मिलता, पैसे भी खर्च होते हैं और साहस बात जब आपको कोई इफेक्ट नहीं मिलता तो फिर आप खुश भी नहीं होते। तो दोस्तों, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज जो मैं आप लोगों के लिए रेमेडी लेकर गए बहुत ही अच्छी है, नेचुरल है, साथ में जी हाँ मैं बात कर रही हूँ इस रेमेडी की, इस क्रैक क्रीम की, बहुत ही अच्छी है जैसे मैंने कहा है। तो आइए चलिए दोस्तों, देखते हैं इसे बनाना कैसे। और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे, आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों, देखते हैं इसे बनाना कैसे। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले हमें गैस ऑन करना, उस पर हम एक पैन या कोई सा भी आप बर्तन चढ़ा दें, उसके बाद अपने गैस की जो आंच है उसको धीरे कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम तेल डालेंगे। जी हाँ, हमें सरसों का तेल लेना है, जिसे मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब जिस हिसाब से मतलब जितना बना रहे उस हिसाब से ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर आधे कप के करीब इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ। और अब हम क्या करेंगे, गैस की जो आंच है उसको तेज़ कर देंगे, ताकि जो तेल हमारा वो जल्दी से गर्म हो जाए। देख सकते हैं तेल हमारा गर्म हो गया है काफ़ी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कच्ची मोम, जी हाँ कच्ची मोम हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, खासकर जिनकी इड़ियाँ फटती, जैसे मैंने आपकी वीडियो में आपको बताया है तो कितनी अच्छी होती है। तो इसको अब हम इसमें ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं मैं इसमें एक कटोरी के करीब मोम डाल रही हूँ, आधी से एक कटोरी के बीच हम इसे मोम को डालेंगे और हल्के से इसे मिक्स करेंगे। तेल ऑलरेडी गर्म है तो इसमें मिक्स हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता दूं, जैसे मैंने इसमें आधे से एक कप के करीब तेल डाला है तो उतना ही मैंने इसमें मोम डाली है, और ये देख रहे हैं आप कि धीरे धीरे ये मिक्स हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस को जो है अपनी आंच है उसको हम बंद कर देंगे। इसमें मेल्ट हो चुकी है अच्छे से, अभी ये बहुत गर्म है तो ये फिलहाल कंटेनर में खाली करने लायक नहीं है, तो इसे हम छोड़ देंगे। और जब ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए तो हम इसे कंटेनर में खाली कर लेंगे। तो दोस्तों, मैंने अपने इस मिक्सचर के कंटेनर में खाली कर लिया है, अभी ये फिलहाल मैंने इसे फ्रिज में भी नहीं रखा है, क्योंकि सर्दियों का सीज़न ही ऑलरेडी ऐसे ही जम जाएगा तो फिर फ्रिज में रखने की आपको ज़रूरत भी नहीं। और अब देख सकते हैं इसका जो टेक्स्चर है वो कितना अच्छा है, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है इसका, ना बहुत गाढ़ा है ना बहुत ही पतला, आपको इसी टेक्स्चर में रखना है। हाँ, आप इसमें कुछ चीज़ें ऊपर नीचे कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे मैंने इसमें आधे कप तेल डाला तो अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो उस हिसाब से इसमें मोम ऐड कर सकते, मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें चेंज कर सकते हैं कम ज़्यादा, मतलब आपको लेना यही है मस्टर्ड ऑयल एंड मोम।
उस हिसाब से अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा बनाएंगे तो उस हिसाब से एडजस्ट करिएगा, कम बनाएंगे तो मतलब उस हिसाब से ऊपर नीचे करेंगे तो भी चलेगा। तो दोस्तों ये हमारी क्रीम बन करके तैयार है और आप देख रहे हैं कितनी आसानी से बन करके तैयार हुई। मुश्किल से 5 रुपये या 10 रुपये लगेंगे और इतना बड़ा कंटेनर मेरा ऐसे सिम 2 कंटेनर भर करके तैयार हुआ है। तो दोस्तों आई मैं आपको लगा करके इसे दिखाती हूँ। तो दोस्तों मैंने जो आपको अपनी रेमेडी जो क्रैक क्रीम बनाई है, अब उसे लगाना कैसे मैं उसका तरीका आपको बताती हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टब में गर्म पानी लेना है, उसमें अपने पैरों को 5 से 10 से 15 मिनट के लिए उसे डाल के छोड़ देना है। उसके बाद जो प्यूमिक स्टोन आते हैं या आप यूज़ कर सकते हैं या जो स्क्रबर आते हैं उससे अपने पैरों से हल्के हाथों से उससे स्क्रबिंग करनी है ताकि जितनी भी डेड सेल है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, टॉवल से अपने पैरों को अच्छे से पोंछ लीजिए, पूरी तरीके से सुखा लीजिए। उसके बाद जो मैंने क्रीम अपनी बनाई है ये क्रैक क्रीम, उसे लेना है। मैं आपको बता रही हूँ आपको किस तरीके से लगाना है। उसे आप अपने हाथों पे लेंगे और इस तरीके से आपको अपने पैरों की एड़ियों पे मसाज करनी है। इसे मैं अपने हाथों पे आपको बता रही हूँ, तो इस तरीके से आपको मसाज करनी है। उसके बाद आपको सॉक्स पहन इस लगा के छोड़ दीजिए, उसके बाद आप सॉक्स पहन करके सो जाइए। जी हाँ दोस्तों, बस ये सिंपल से स्टेप आपको करने हैं और आपको इसे डेली करना है और आप 1 हफ्ते में आप खुद अपना फर्क नोटिस करेंगे आपको कितना फायदा हुआ है इस क्रीम से। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की DIY क्रैक क्रीम। आई होप आपको मेरी आज की क्रीम पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये क्रीम पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जैसे मैंने आपसे कहा है। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ हमेशा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।